नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ चार। पाठ का नाम है मूल्यवान समय। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन का प्रत्येक पल मूल्यवान है, न इसे हम रोक सकते हैं, न यह कभी वापस मुड़कर आता है। जिस पल का हमने उपयोग कर लिया, बस वही समय हमारा है। आइए यह कविता पढ़कर समय का मूल्य पहचाने। कविता पढ़ने से पहले उच्चारण अभ्यास हम बोलकर पढ़ेंगे। प्रयत्न, जन्म, मूल्यवान, श्रम, स्वास्थ्य, विद्या। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। चला गया जो समय, लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला, कर मल मल पछताता। तो बच्चों, इन दो पंक्तियों में यह कह रहा है कि जो चला गया है समय, वो वापस नहीं आता है, और जो समय को खो देता है वो कर यानी हाथ मल मल कर पछताता है। चलिए आगे की पंक्तियों पे ध्यान देंगे। जिसने इसे न माना, इसने उसको भी ठुकराया, लाख प्रयत्न करने पर भी यह हाथ न उसके आया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने समय को न माना, समय ने उनको भी ठुकराया, कितना भी प्रयत्न करें फिर भी उनके हाथ नहीं आया। प्रयत्न मतलब कोशिश किया जिसने। चलिए आगे ध्यान दीजिए। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो बच्चों, इसका अर्थ यह है कि एक पल के लिए हमें जीवन भर का रोना हो जाता है। जब ये मूल्यवान समय हाथ से निकल जाता है तो इसके लिए हमें जीवन भर रोना पड़ता है। इसीलिए समय मूल्यवान है, आप इसको व्यर्थ मत खोइए। चलिए आगे की पंक्तियों पे ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। धन खो जाता, श्रम करने से फिर है मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि धन जब खो जाता है तो श्रम यानी मेहनत करके मनुष्य धन को पा सकता है, और स्वास्थ्य जब बिगड़ जाती है तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेंगे तो शरीर भी अच्छा हो जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। विद्या खो जाती है, फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। तो बच्चों, विद्या खो जाने से हम पढ़ेंगे तो विद्या फिर वापस आ जाती है, लेकिन आपने जो समय खो दिया है वह समय की थाती कभी भी वापस नहीं मिलती है। आगे की पंक्तियों पे ध्यान देंगे। जीवन भर भटको, छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो बच्चों, आखिरी पंक्तियों में यह कह रहा है कि आप जीवन भर कहीं भी घूमो, चाहे दुनिया का कोना कोना छान लो, पर समय मूल्यवान है, इसको कभी भी व्यर्थ खोना मत। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। हमें समय पर अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय फिर वापस नहीं मिलता है। तो आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।